आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। शिखा मेहरोत्रा, शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली कार्य समिति की बैठक आज लखनऊ में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। इसके साथ ही करीब 600 पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बेहद गंभीर है, जबकि शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में गठबंधन के काम को गति देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मंथन कर रहा है। वहीं इस बैठक की शुरुआत में सीएम योगी ने भाजपा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पीएम की उपलब्धियां लोगों को गिनाई और प्रदेश में भाजपा की दोबारा सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूर्व पीएम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं माल्यार्पण करने के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि देश में किसानों के सबसे बड़े नेता और देश की आजादी के बाद अगर किसानों के लिए किसी ने संघर्ष किया था तो वो चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, लेकिन आज बीजेपी ने किसानों के सपनों को चकनाचूर करते हुए तीन काले कानूनों को लागू किया है। देश के किसानों के सबसे बड़े नेता रहे और आज़ादी के बाद किसानों के हक और सम्मान के लिए अगर किसी ने संघर्ष किया था तो चौधरी चरण सिंह जी ने किया। उनके बताए हुए रास्ते पर चल कर के ही किसान खुशहाल हो सकता है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया कि देश की खुशहाली गाँव से है, खलियानों से है, और जब तक किसान तरक्की नहीं करेगा तब तक। वाराणसी में ज्ञानवापी और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद मामले के बीच अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पूरे देश में चर्चा हो रही है। वहीं इस एक्ट को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग लोगों ने याचिका दाखिल की है। शनिवार को मथुरा के प्रख्यात भगवताचार्य देवकी नंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के खिलाफ अर्जी दाखिल की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। औरंगजेब ने सबसे बड़ा काम ये किया था कि जहाँ जहाँ हमारे पूजा स्थल थे, प्रमुखतः जैसे काशी हो गया, मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, यहाँ उसने बड़ी बर्बरता की। और बर्बरता करके औरंगजेब जैसा था, इतिहास जानता है, मैं उसके विषय में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि अगर किसी ने हमारे ऊपर जुल्म किए हैं, कत्लेआम किए हैं, तो हम उसके अगेंस्ट जाकर कोर्ट में प्रार्थना रखें, अर्जी रखें, अपनी बात रखें। और लोकतंत्र की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यह कार्य बहुत जरूरी है। पर 91 में नरसिम्हा राव सरकार ने यह कानून ले आए कि जो पहले की स्थिति है वही रहेगी। इसका मतलब हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे भी बंद कर दिए। भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए देव स्थल क्या महत्व रखते हैं ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन उनको भी अगर हम मथुरा में जन्मभूमि पे जाके सेवा नहीं कर सकते, काशी में जाके नहीं गौरी देश पूजन कर सकते, तो इससे जो हमारी भावनाएं घट हो रही। आगरा में चल रहे हुनर हाट के दौरान मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने एक बयान देते हुए कहा कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव अनपढ़ हैं। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान सदन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव ने टिप्पणी की थी, उसी को लेकर राजू का ये बयान आया है। बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव से, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी भाषा ऐसी होगी। हट, हुट, हुर, चुप, हट, ये तो कोई सड़क छाप हमारी कानपुर की भाषा में बोलते हैं, ये तो लौंडे लोग बात करते हैं, इस तरह से चौराहों पे बात करते हैं, पान की दुकान पे खड़े रहते हैं, उनका कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाता है तो मुंह में गुटका उटका दबाए हुए, इस तरह से ये अनपढ़ लोग करते हैं। तो वो देख के थोड़ा दुख हुआ कि इतने बड़े सदन में बैठे हुए हैं तो वहाँ लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग देख रहे थे, तो मुझे लगता है कि इसमें अखिलेश यादव की भी छवि।
आगरा में ताजमहल से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है, जहां आगरा के इतिहासकार राजकिशोर राजे ने ताजमहल परिसर में शुक्रवार को होने वाली नमाज को लेकर एएसआई दिल्ली से आरटीआर के तहत जवाब मांगा था। उन्होंने सवाल में पूछा था कि ताजमहल परिसर में होने वाली नमाज की अनुमति किसने और कब दी। इसके जवाब में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने पास जानकारी न होने की बात कही है। बहराइच में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रक और ट्रैवलर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई और 7 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं एसएसपी केशव कुमार चौधरी ने हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। पुलिस अफसरों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया और उनके उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। अब वो ओवरटेकिंग के चक्कर में हुआ है ट्रैवलर और ट्रक के, वो आपस में दोनों से आमने सामने भिड़ गए। काफ़ी स्पीड में ट्रैवलर भी थी और जिसमें 5 लोगों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई और बाकी लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 लोग पता चल रहा है कि सीएससी के भी ख़त्म हो गए हैं। तो गांव की सहायता और पुलिस की सहायता से गाड़ी को निकाला गया है, फिर डेड बॉडी को निकाला गया, फिर एम्बुलेंस आई उसको लेके गई। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोग थे जो कहीं जा रहे थे दर्शन के लिए, जैसा बताया गया है, तो वहाँ पर दुर्घटना हुई जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई है। शेष लोगों का यहाँ पर अस्पताल में लाया गया है, उनका समुचित इलाज कराया जा रहा है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो घायल हैं उनको सेफली बचाया जा सके और उनका समुचित इलाज हो सके और बाकी हम लोग स्पोर्ट्स के लिए देख। इस खबर पे हमारे साथ बहराइच से संवाददाता उदय शंकर मिश्रा जुड़ चुके हैं। उदय, पूरी जानकारी चाहेंगे, कैसे हुआ यह हादसा? जी, आपको बता दें कि लगभग आज सुबह 6:30 बजे के करीब नैनिया गांव के पास इतनी तेज रफ्तार का कैब देखने को मिला, जहां 2 जो है एक मिनी बस और ट्रक, ये दोनों आमने सामने से लड़ गई। हादसा इतना भीषण था कि इसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जहां मौके पर 4-5 लोगों की मौत हुई थी, वहीं अस्पताल ले जाते समय 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। ये सभी लोग यहां दर्शन करने के लिए आए हुए थे, सभी श्रद्धालु, लगभग जो मिनी बस थी इसमें 16 लोग सवार थे और ये लोग अयोध्या की तरफ जा रहे थे। तेज रफ्तार के कारण बताया जा रहा है कि सामने से जो है इधर ट्रक आ रही थी, उसी में ये लोग की गाड़ी उसमें अचानक जो है तेज रफ्तार के कारण घुस गए, जहाँ ये हादसा हो गया। जी उदय, ये जो श्रद्धालु है ये कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, क्या कोई जानकारी? जी, ये सभी श्रद्धालु कर्नाटक के बताए जा रहे हैं, ये यहाँ जो है तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में, और ये लोग कई तीर्थ स्थानों से होकर के अयोध्या की तरफ निकले हुए थे। जब लखीमपुर के पास जो है ये पहुंचे तो इनकी गाड़ी अचानक जो है तेज रफ्तार के कारण भिड़ंत हो गई, जहाँ जो है मिनी बस को ग्रामीणों के द्वारा निकाला गया, 150 निकाले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जो है उपचार के लिए यहाँ अस्पताल भेजा, जहाँ पर जो है मौके की सूचना पाकर यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं और एसएसपी साहब हैं, ये भी उनका हालचाल जानने के लिए जो है जिला अस्पताल पहुंचे और सभी का जो है हालचाल लेते हुए यहाँ के सीएमओ को बताया कि जितने भी जिला ये यहाँ आए हैं जिला अस्पताल में, जितने घायल हैं इनकी देखरेख कायदे से की जाए और प्रॉपर इलाज किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबर पे हमारे साथ बहराइच से संवाददाता उदय शंकर मिश्रा जुड़े हुए थे। गाजियाबाद के साहिबाबाद में ट्रांस हिंडन में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। शनिवार को नगर निगम की ओर से राजनगर इंडस्ट्री एरिया में अतिक्रमण हटाया गया, वहीं आसपास की सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं नगर निगम के मोहन नगर जोन प्रभारी राजवीर ने बताया कि राजनगर इंडस्ट्री एरिया में कई सालों से लोगों ने कब्जा कर रखा था, कई बार चेतावनी के बाद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। बहराइच में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां ट्रक और ट्रैवलर के आमने सामने टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई है और इस दर्दनाक हादसे में 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
वहीं एसएसपी केशव कुमार चौधरी ने हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। पुलिस अफसरों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया और उनके उचित इलाज के निर्देश दिए। मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नैनिया गांव के पास आज एक मिनी बस और एक ट्रक में जो है इतना भीषण हादसा हो गया, जहां मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग अस्पताल ले जाते समय अपना दम तोड़ दिए। आपको बता दें कि ये सारे श्रद्धालु जो है ये बाहर से आ रहे थे यहां जो है दर्शन करने के लिए। तमाम दर्शन के बाद ये लोग बताया जा रहा है कि जो है ये अयोध्या के लिए निकले थे, जहाँ पर यह भीषण हादसा हो गया। ये भी जानकारी मिली है कि इस मिनी बस में लगभग 16 लोग सवार थे, जिसमें 3 महिलाएं और 4 पुरुष की मौके पर मौत हो गई है और बाकी अन्य घायलों को यहाँ जो है जिला अस्पताल भेजा गया है, जहाँ इनका उपचार जारी है। यहाँ पर सूचना मिलते ही डीएम और एसपी जो है घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुँचे हैं, जिन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ इनके उपचार में कोई कमी रखी न जाए। जितने लोग घायल हुए हैं ये सब कर्नाटक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्राइम टीवी के लिए उदय मिश्रा, बहराइच। वृंदावन के कुम्हार गली किशोरपुरा में एक युवक के साथ ऑनलाइन नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवक ने फेसबुक पर महिंद्रा ग्रुप के नाम से एक प्रचार देखा, जिसके बाद युवक से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसों की डिमांड की गई, तो युवक ने कई किश्तों में कुल 98,800 रुपए ट्रांसफर किए, जिसके बाद युवक ने खुद को ठगा महसूस किए जाने पर पुलिस से मामले की शिकायत की। मेरे साथ फ्रॉड ही हुई थी 25 तारीख को रात में 9:30 बजे। फेसबुक को मैंने एक ऐड देखा था महिंद्रा ग्रुप का, उसमें मैंने कॉल करी थी तो उसने बोला कि मैं आपके मैं जॉब दिलाऊंगा और अपने में इतने पैसे डाल दीजिए। उसने मुझे 100 रुपये लिए पहले, उसने मुझसे फिर 200 रुपये वापस करे। कैसे लिए थे? फोन ऑनलाइन फ़ोनपे द्वारा लिए थे उसने मुझसे पैसे। फिर उसने मुझसे 400 रुपये लिए, उसने मुझे 500 रुपये वापस करे। फिर वो कह रहा कि थोड़ी देर वेट करो। फिर उसका रात में कॉल आया मुझे 9 बजे करीब, तो उसने मुझसे कहा कि 4500 रुपये मेरे में ट्रांसफ़र करो और मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। उसने जबरदस्ती इंडियन आर्मी के नाम से मुझसे पैसे लूटना शुरू कर दिया। उसने करीब करीब बुलंदशहर में ऑपरेशन पाताल लोक के तहत पुलिस ने अलग अलग जगह पर छापेमारी की और अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 4 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि शासन के निर्देश पर ऑपरेशन पाताल चलाया जा रहा है, उसमें अवैध असलहे बनाने वाले या अवैध असलहे रखने वाले की छानबीन की जा रही है। पूर्व में जिनका आपराधिक इतिहास है उनकी भी छानबीन की जा रही है। इसी के तहत आज बड़ी सफलता तो बुलंदशहर जनपद को मिली है, उसमें से एक कोतवाली नगर है, दूसरा कोतवाली अनुपशहर है। दोनों लोगों ने मिलकर के अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है, और जिसमें कोतवाली नगर में एक व्यक्ति द्वारा पास से और कोतवाली अनुसार में 3 व्यक्तियों के पास की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से कुल मिलाकर के 23 तमंचे और उसमें इस 23 तमंचों में एक रिवाल्वर भी है और उसमें एक बंदूक भी है, बाकी 21 तमंचे हैं। और इसी तरह से बने हुए पोर्टल पूर्ण से बने हुए हैं, इसी तरह से 15 तमंचे कुल बने बने हुए मिले हैं, जो कि कोतवाली नगर और अनुसार। खबर शाजापुर से है, जहां पुलिस ने अनोखी लिफाफे गैंग के सरगना समेत 7 ठगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 2 लाख के जेवरात, कैश और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी ठग महिलाओं के जेवरातों के लिफाफे में रखवा कर कंकड़ पत्थर रखकर ठगी करते थे। फिलहाल पुलिस ने इन ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब तक जो इनके जो मूवमेंट्स हैं वो ये जो जनपद है इनका जो शाहजहाँपुर के अलावा बदायूं, एटा, कासगंज, हाथरस, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज और सीतापुर, इतने जनपदों में इनकी लोकेशंस मिली अलग अलग ग्रेड्स। तो अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इन जनपदों से संपर्क करके यदि कोई इस तरह की घटना हुई हो और रिपोर्टेड हो तो इसके आधार पर वहाँ से। कन्नौज के एक भीषण सड़क हादसे में महिला इंस्पेक्टर और उसके भतीजे की मौत हो गई है। दरअसल महिला इंस्पेक्टर का ट्रांसफर होने पर मथुरा से कानपुर चार्ज लेने के लिए जा रही थी, जब ही ये दुर्घटना हुई। फिलहाल उस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
खबर हरदोई से है, जहां शाहबाद थाना क्षेत्र के शिरोमन नगर में एक अज्ञात शव मिला है जो कई दिन पुराना लग रहा है। शव मिलने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। फरुखाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के कर्मी के घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कि हम लोग रात में ऊपर सो रहे थे, 12 बजे हम कमरे में आए थे तो चेक करके तो सही था ये रात। फिर सुबह हम लोग 5 बजे आए तो हमारा सब कुछ सामान बिखरा हुआ पड़ा था यहाँ पे। हमारे इस चढ़ाई का हार, झुमकी, चेन, सवा तोले की मंगलसूत्र, तीन जोड़ी पायल 250 ग्राम के, 2 जोड़ी पतली पायल, बच्चों के 4 जोड़ी कंगन, बच्चों के 2 जोड़ी कंधनी, बच्चों के ओम, बच्चों की 2 अंगूठी, 2 हमारी अंगूठी, इनकी अंगूठी, ओम इनका, और क्या नाम, चांदी के सिक्का, और 35,000 रुपये, 3 मोबाइल, 3 आईफोन रखे थे। 3 आईफोन चले गए? हाँ, सेकंड हैंड रखे थे क्योंकि इनके। अलीगढ़ में विवाहिता के संदिग्ध हालात में फांसी के फंदे पर लटकने की सूचना इलाके में मिली, जिसके बाद कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक विवाहिता और अन्य परिजनों में बीते दिनों मारपीट हुई थी। मेरी बहन के साथ इनके बड़े वाले भाई ने और इनकी भौजाई ने मारपीट भी की है। तीनों लोगों ने और चार छह दिन पहले भी किया है और कल रात को भी किया है और तीनों लोगों ने गला घोट के मार दिया। इसका कारण क्या रहा है मारपीट का? आपके पास क्या सूचना आई कि किस तरह की मारपीट हुई है? हमारे पास ये सूचना आई है कि ये लड़ रही हैं आपसे ही में, कोई भैंस भैंस के पीछे में डिब्बू होगी तो हमने कि थोड़ा समझा देंगे। इसके बाद फिर हमने उनको समझा भी दिया। फिर इन लोगों ने पता नहीं शाम को क्या हुआ ये नहीं पता हमको। अभी सवेरे सूचना मिली कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आगे देखा गया तो मिटका द्वारा जो है साड़ी पंखे से लटक कर जो है प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। फिर भी उनके परिवारिक जन द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उस पर अभियोग पंजीकृत। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।